तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़गुजर। अभी अपन देखने वाले हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम यूजिंग स्टैक एंड एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करने वाले हैं उसको। तो क्या करता है, कैसे करता है अपन देखेंगे। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी कि वो डेप्थ में जाता है और बाहर आता है। तो DFS एल्गोरिदम इज द रिकर्सिव एल्गोरिदम दैट यूजेस द आइडिया ऑफ बैक ट्रैकिंग। तो ये बैक ट्रैकिंग के ऊपर काम करता है। इट इन्वॉल्व एग्जॉस्टिव सर्च ऑफ ऑल द नोड्स बाय गोइंग अहेड इफ पॉसिबल एल्स बाय बैक ट्रैकिंग, या फिर अगर पॉसिबल हो तो वो आगे जाता है, नहीं पॉसिबल हो तो बैक ट्रैक हो जाता है, मतलब पीछे आ जाता है। ठीक है, हियर बैक ट्रैकिंग मीन्स दैट व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड देयर आर नो मोर नोड्स अलोंग द करंट पाथ, यू मूव बैकवर्ड ऑन द सेम पाथ टू फाइंड नोड टू ट्रैवर्स। ठीक है, हमें एक हाथ नोड अगर ट्रैवर्स फाइंड करना है, तो अगर अगर हम एक हाथ नोड, अभी देखिए, मान लीजिए अपने पास ये एग्जांपल है, तो हमें कुछ यह भी मान लो कि यहाँ पे 5 है 4 है 3 है। ठीक है, हमें 5 4 फाइंड करना है, 4 फाइंड करना है। तो अपन यहाँ पे आते हैं तो डेप्थ फर्स्ट क्या करता है, इधर जाता है, चेक करता है, फिर से इधर जाता है, मतलब फॉरवर्ड जाता है ना, आगे आगे जाता है, डेप्थ में जाता है। तो उसको 5 नहीं मिलता है यहाँ पे, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो वो बैक ट्रैक होता है। तो फिर से यहाँ पे चेक करता है, कुछ एक और नोड है क्या, नहीं है, फिर से बैक ट्रैक होता है। तो यहाँ पे एक हाथ नोड है क्या, हाँ है, तो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे उसको 4 में मिल जाएगा। तो इसे बैक ट्रैक होके अपना सॉल्यूशन फाइंड करता है। द रिकर्सिव नेचर ऑफ द DFS कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक। तो स्टैक के मदद से अपन DFS का भी रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम बहुत ही आसान है। गिव एन अनडायरेक्टेड या फिर डायरेक्टेड ग्राफ जी हैविंग एन वर्टाइसेस विजिटेड एरे इनिशियलाइज एज जीरो, विजिटेड एरे इनिशियलाइज एज जीरो, विजिटेड नोड सबसे पहले जो फर्स्ट नोड जो विजिट होता है उसको अपन विजिटेड का 1 का मार्क दे देंगे। फॉर ईच वर्सेस W एडजेसेंट फ्रॉम यू इफ वर्टेक्स वी W जीरो इज इक्वल टू DFS, मतलब DFS कॉल करते हैं, अगर अगर वो विजिटेड नहीं होता है तो अपन DFS कॉल कर देते हैं। Here the working is first get the element and pick a straight node and push it into the adjacent node into the stack। यानी कि अभी अपन working अगर देखेंगे तो आगे अपने पास एक example है, वहाँ पर आपको ये clear हो जाएगा। Pop the node from the stack to select the next node and visit and push all the adjacent node into the stack। तो इसको अपन देखेंगे यहाँ पर, एक example है अपने पास, उसको देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपन उसके पहले अपने अपने जो अपने को जो थ्योरी लिखी ना वो देख लेते हैं। रिपीट दिस प्रोसेस अनटिल द स्टैक इज एम्प्टी एंड एंश्योर दैट द नोड दैट आर विजिटेड आर मार्क। दिस विल प्रिवेंट अस फ्रॉम द विजिटिंग द सेम नोड अगेन, एंड इफ यू नॉट मार्क द विजिटेड नोड देन द लूप इज गोज इन टू द इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है अपने पास, ये वाली एक ट्री है। तो इस ट्री को अब हमें चेक करना है DFS एल्गोरिदम से, कि स्टैक की मदद से कि हमने सारे नोड्स को विजिट किया या नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले अपन अपना एक स्टैक तैयार कर लेते हैं, उसको इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद में सबसे पहले अपन ES के ऊपर जाते हैं, उसको अपन विजिटेड मार्क कर दिया है और ES को अपन ने टॉप में इंसर्ट करा लिया है। उसके बाद में चेक करते हैं ES को कोई एडजेसेंट नोड है क्या, हाँ है, तो फिर क्या करेंगे, जो एडजेसेंट नोड होगा समझ लो A है, तो A को अपन ने नाउ वी विल ऐड नेक्स्ट नोड A, इट्स एडजेसेंट नोड्स। ठीक है, तो ए अपन ने ऐड कर लिया। तो ठीक है, तो ए का एडजेसेंट नोड है क्या कोई, तो हाँ है, तो उसको भी अपन डी को ऐड करवा लेंगे। सो वी नाउ इंसर्ट द नेक्स्ट एडजेसेंट नोड इनटू द स्टैक। तो अभी अपन चेक करेंगे डी को कोई एडजेसेंट नोड है क्या, हाँ है, डी को भी है, बी है। ठीक है, तो अपन बी को भी इंसर्ट करवा लेंगे। नाउ बी इज डी, दिख नहीं रहा है क्या आपको, हाँ अभी दिखेगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो अपन ने बी को भी यहाँ पे इंसर्ट करवा लिया है। ठीक है, इट नाउ बी इज विजिटेड एंड इट डज नॉट हैविंग एनी अनविजिटेड एडजेसेंट नोड। बी को कोई एडजेसेंट मतलब अनविजिटेड नोड है क्या, नहीं है, तो फिर क्या होगा, बी को अगर कोई अनविजिटेड नहीं है तो क्या होगा, स्टेप फाइव में पॉप द बी फ्रॉम द स्टैक। तो अपन बी को पॉप कर लेंगे। नाउ वी सी अवर
टॉप एलिमेंट आफ्टर द रिमूव, मतलब बी अगर पॉप हो जाएगा तो उसके बाद में अपने अपने पास क्या था, डी था ना, तो डी के कुछ एक और भी एडजेसेंट नोड है अपने पास सी, तो अपन सी को डाल देंगे. नाउ वी सी अवर टॉप एलिमेंट आफ्टर द रिमूव एलिमेंट रिमूव एलिमेंट, सो वी डी सो सो डी हैव वन अनविजिटेड नोड सी एंड पुश इन टू स्टैक, तो हमने उसको डाल दिया. तो देखिए एस एस सी नॉट हैव एनी अनविजिटेड एडजेसेंट नोड, सो कीप पॉपिंग द एलिमेंट अंटिल वी फाइंड एनी अनविजिटेड नोड. ठीक है, पॉप पॉप एंड पॉप पॉप अन पॉप एंड द स्टैक इज एम्प्टी इफ नोड इज फाइंड अनविजिटेड. ठीक है, तो बात क्या मतलब बात क्या है यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे अपन ने सारे के सारे नोड विजिटेड कर लिए हैं. सारे नोड विजिटेड होने के बाद में अपने अपने पास ये वाला स्टैक आ जाता है. तो हमें बोला क्या गया है, अगर आपको जब तक कोई एक ऐसा नोड नहीं मिलता है जो अनविजिटेड हो, तब तक आप इसको पॉप करते जाइए करते जाइए करते जाइए. तो देखिए, तो अभी अपन ने सी पॉप कर लिया, तो डी को कोई कोई और दूसरा एडजेसेंट है क्या, नहीं है, मतलब है तो, लेकिन वो तो विजिटेड है ना, तो ऐसे अनविजिटेड एडजेसेंट नोड कोई भी नहीं है अभी, तो सब पॉप कर लेंगे अपन तो, लेकिन कोई भी अनविजिटेड नोड हमें नहीं मिलेगा. तो हमने सारे के सारे एलिमेंट को विजिटेड कर लिया है बाय द DFS विद द स्टैक. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत शुक्रिया. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.